वेलकम बैक बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ हैं वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट के एडवाइजर्स के CIO रवि धर्मशी। रवि के पास इन्वेस्टमेंट में 2 दशक से ज़्यादा का अनुभव है और रेयर एंटरप्राइजेस के साथ भी रवि काम कर चुके हैं। आइए उनसे समझते हैं कि बाज़ार में अब कौन सी थीम्स हैं कमाई की। रवि जी गुड मॉर्निंग, सबसे पहले तो फेस्टिव ग्रीटिंग्स नवमी और दशहरे की। बताइए इस फेस्टिव सीजन में आपका मार्केट व्यू क्या बन रहा है, क्या बड़ी थीम्स होंगी यहाँ पर? थैंक यू अनुज, गुड मॉर्निंग टू यू, गुड मॉर्निंग टू योर व्यूअर्स एंड आप सबको फेस्टिव सीजन की शुभकामनाएं, आपके व्यूअर्स को भी। कमिंग टू द मार्केट व्यू, हमारी मार्केट ने ऑलमोस्ट 3.5 साल से जो रैली की है, जो मार्च 20 के बॉटम से, तो वहां से एक बीच में 15-18 महीने का करेक्शन कंसोलिडेशन हुआ है, बट एक सीरियस करेक्शन आया नहीं है। और खास करके मिड एंड स्मॉल कैप में जो रैली आई है लास्ट 6 महीनों में, काफी सारे शेयर काफी ओवरप्राइस्ड हो चुके हैं, तो एक करेक्शन तो बनता है। मार्केट कोई भी एक रीजन पकड़ लेगा और करेक्ट करेगा ऐसा लग रहा है, और ऐसा ही एक करेक्शन शुरू हुआ है, ऐसा व्यू बन रहा है। अभी ये करेक्शन ही होगा, ना कि कोई मेजर क्रैश होगा। सो वन हैज टू, इफ यू हैव अ 3 to 5 years perspective, तो निवेश करने का शुरू करना चाहिए, ऐसा लग रहा है। ओके चलिए तो कुछ थीम्स की बात करते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, आपने ये एक्सचेंज स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है क्या? काफी शानदार मोमेंटम आ रहे हैं यहाँ पर, या फिर मार्केट पार्टिसिपेंट्स इंटरमीडियरीज इस स्पेस में इन्वेस्ट किया है क्या? यस, सो आई थिंक कैपिटल मार्केट इंफ्रा कंपनीज, कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज, एक्सचेंजेस, this is the non financial sorry non lending part of the financial sector, hum kafi bullish hain is par yahan par. So ye jo bada theme hai ke India mein financialization ho raha hai, more and more people are becoming part of the financial system, and within their asset allocation they are choosing more financial assets over physical assets. So real estate aur gold ki jagah par invest karne mein ab थोड़ा SIP, थोड़ा इंश्योरेंस, थोड़ा यू नो वेरियस म्यूचुअल फंड्स में भी सबका एलोकेशन होने लगा है। ये एक राइजिंग थीम है। यस, थोड़ा बहुत अभी नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स बोलो या नंबर ऑफ फोलियोस बोलो, काफी बढ़ गए हैं, बट ये एक सेक्युलर थीम है और 5-7 ईयर पीरियड यहाँ से भी और नंबर बहुत बड़े होने हैं। सो जब भी मार्केट का करेक्शन होता है, बट द प्रॉब्लम इज ऑफकोर्स कि ये मार्केट से रिलेटेड है, तो जब मार्केट में करेक्शन आता है तब यहाँ पर भी करेक्शन आता है। सो वन शुड बी लुकिंग टू बाय दीज स्टॉक्स इन अ करेक्शन इज व्हाट आई फील, बट लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव यहाँ पर काफी ग्रोथ आनी बाकी है। रवि जी, आपसे खुलकर एक दो स्पेसेस पे बात हुई है पहले भी, और जिन्होंने अच्छे स्विंग दिए भी और पैसा बहुत बना, रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स। डिफेंस की एक अलग कहानी है जो इस वक्त विश्वव्यापी, जो इस वक्त परिस्थिति है उससे हम देख सकते हैं क्या स्थिति है, और हमारा खुद की मैन्युफैक्चरिंग पे और एक्विजिशन पे ज़्यादा ध्यान रहा है, लेकिन बहुत तीव्र मूव आए हैं इन दोनों स्पेसेस में, और अब क्या व्यू है आपका इन वैल्यूएशंस पे, डिफेंस और रेलवेज पे? तो नो डाउट यहाँ पर वैल्यूएशन काफी बढ़ चुके हैं और शायद 2-3 साल का आगे का अर्निंग्स डिस्काउंट कर रहे हैं, बट ये जो मानने वाले हैं कि यहाँ पर एक पागलपन हो चुका है और ये मैट कैप स्टॉक्स हैं, मैं उस व्यू से सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है ये अर्निंग सपोर्टेड ग्रोथ रहा है, यस, बट थोड़ा मार्केट थोड़ा 1-2 साल आगे निकल गया है और एक कंसोलिडेशन की यहाँ पर जरूरत है, बट इस सेक्युलर स्टोरी में कोई इश्यू नहीं है अभी तक। सिर्फ अगले 12 महीने का व्यू लेकर चले तो यहाँ पर थोड़ी करेक्शन कंसोलिडेशन हो सकती है, बट अगेन एज ऐसे हमारा पर्सपेक्टिव हमेशा 3-5 साल के व्यू से होता है, और उस व्यू से अभी भी यहाँ पर अच्छा व्यू जारी है। सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारे इन्वेस्टर जो काफी बड़े गेन्स पर बैठे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हम शायद यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुक कर रहे हो, बट इट इज नॉट अ व्यू ऑन द सेक्टर, इट इज मोर अ व्यू ऑन द वैल्यूएशन। ओके, तो रवि जी की अगर आप बात माने तो रिसेंटली PSUs में हुआ या फिर डिफेंस स्टॉक्स बहुत चल चुके हैं, इसके बाद आपको शायद थोड़ा 12 महीने अगले धैर्य रखना पड़ेगा। कुछ प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा एक्सीड कर चुके थे, उनका रन ओवर एक्सीड कर चुका था, लेकिन अगर आपका व्यू 3-5 साल का है, प्रोस्पेक्टिव इस अवधि का है,
तो कोई दिक्कत की बात नहीं है डिफेंस और आई थिंक रेलवे स्टॉक्स में। अच्छा रवि जी, अब थोड़ा सा आते हैं कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इनफैक्ट अगर इन सबका समावेश लेके चले रियल स्टेट का भी, कंस्ट्रक्शन का भी, इंफ्रा का भी, तो सबसे पहले बात करते हैं सीमेंट का। सीमेंट पे पिछले कुछ समय से बहुत अच्छे मूव्स विजिबल है, आपका सीमेंट पे व्यू क्या कह रहा है इस वक्त? तो वीरेंद्र जी, हम सीमेंट सेक्टर को बहुत ज्यादा क्लोजली ट्रैक नहीं करते हैं बिकॉज सीमेंट इज अ कमोडिटी सेक्टर। ऐसा नहीं है कि हम कभी नहीं देखेंगे, बट इट इज अ बिग बैरोमीटर फॉर द ओवरऑल इकोनॉमी, बट हम यहाँ पर ज्यादा निवेश नहीं करते हैं। कहते हैं सीमेंट में यू हैव टू बाय व्हेन यू आर गेटिंग इट एट एन एसेट वैल्यू, और यू हैव टू सेल व्हेन यू आर गेटिंग इट एट अ पी, व्हेन यू आर देयर इज अ पी मल्टीपल बीइंग असाइन्ड टू द अर्निंग्स। तो see, from incrementally, from the point of view of investing in this sector, no doubt यहाँ पर greenfield capex अभी बहुत कम हो रहा है। एक तो limestone की mines कम मिल रही है, दूसरा एक cement का plant लगाने के लिए आपको 4-5 साल चाहिए होते हैं, environment clearance में time लग जाता है, land acquisition में time लग जाता है, financial closure में time लग जाता है। इसलिए जो existing capacity है, जिनके पास power availability है, उनके valuation थोड़े premium हो गए हैं अभी। बट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म, लार्जर टर्म पर्सपेक्टिव, मुझे वी डोंट ट्राई टू इन्वेस्ट इन कमोडिटी स्टॉक्स, सो ज्यादा क्लोजली हम ट्रैक नहीं करते इसे। ओके अच्छा रवि जी, एक अब व्यू आपका इस समय मैं जानना चाहूंगा एक ऐसे स्पेस में जिसने मार्केट में पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा पैसा बना के दिया है, लार्ज प्राइवेट बैंक्स, HDFC बैंक और कोटक बैंक, यहाँ पर अब क्या व्यू बन रहा है आपका, क्योंकि पिछले 3 साल से इन दोनों स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। ये विदाउट नेमिंग एनी पर्टिकुलर बैंक और कंपनी, एज अ ऑल द लार्ज प्राइवेट बैंक्स आर फैंटास्टिक फ्रेंचाइजीज। यहाँ पर बैलेंस शीट प्रिस्टीन है, थोड़ा बहुत PNL में इंपैक्ट आ रहा है बिकॉज ऑफ द NIMS, बट और थोड़े बहुत बैंक्स लीडरशिप ट्रांजिशन फेज में है, तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा टैक्टिकली वैल्यूएशन पर करेक्शन हो रहा है। बट फ्रॉम अ लॉन्गर टर्म परस्पेक्टिव आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस स्पेस। अगर PSU में एक वैल्यूएशन आर्बिट्राज था PSU बैंक्स में, जहां पर अर्निंग्स ग्रोथ के साथ थोड़ा बहुत आपको वैल्यूएशन रीरेटिंग भी मिल गया, तो आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट 3-5 ईयर्स पॉइंट ऑफ व्यू प्राइवेट बैंक्स, लार्ज प्राइवेट बैंक्स इज वन सच स्पेस जहां पर ये आपको मिल सकता है। इट इज वेरी रॉन्ग टू से के यहाँ पर ये अभी इनका परमानेंट डीरेटिंग होगा या ऐसा कुछ होगा। इनफैक्ट आई फील दिस इज अ ग्रेट टाइम from the next 6-12 months point of view, शायद यहाँ पर थोड़ा दबाव बना रहे, but that is the time to be accumulating these stocks from the next 5 years perspective, because यहाँ पर ना balance sheet का issue है, ना growth का issue है, ना funding का issue है, थोड़ा बहुत margin का issue है और leadership transition का issue है, but वो सारे problems solve हो जाएंगे over the coming quarters। थोड़ा सा collapse तो wrong word होगा, लेकिन Nifty deal ऊपर आया एकदम से, 19,500 के नीचे फिसला, बैंक निफ्टी भी करीब करीब 50-55 पॉइंट नीचे, लेकिन आज की पेन पॉइंट है मिड कैप मार्केट, मिड कैप इंडेक्स अब 1% नीचे और 1:6 अब एडवांस डिक्लाइन रेशियो इस समय, तो काफ़ी ख़राब हो रहा है इस समय मार्केट इंटरडे में, खासतौर से ब्रॉडर मार्केट में। अच्छा रवि जी, एक IT पर क्या व्यू बन रहा है, अब क्या बॉटम लग चुका है यहाँ पर, क्योंकि स्टॉक्स गिर नहीं रहे हैं, चाहे नंबर्स ख़राब हों, चाहे गाइडेंस कम कर रही हों कंपनियाँ, और मिड कैप IT में तो एक्चुअली रैली देखी है हमने, तो क्या IT में बॉटम बन चुका है आपके हिसाब से? एक तो US में जो इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं उसकी वजह से वहां पर इकोनॉमिक रिसेशन आना है, आज आएगा या 6 महीने बाद आएगा इज द ओनली क्वेश्चन। अगर वो रिसेशन आया तो IT सेक्टर पर उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, एंड विद इन IT सेक्टर द लार्ज कैप आर द वंस दैट विल बेयर द ब्रंट ऑफ इट। जो 8-10% ग्रो हो रहे थे उनका ग्रोथ ऑलरेडी अभी 1-3% पर आ गया, और वो 1-3% में भी क्वार्टर बाय क्वार्टर 2-3 quarters से कॉन्स्टेंटली डाउनग्रेड कर रहे हैं उनके गाइडेंस। सो दैट टेल्स यू द लीड इंडिकेटर्स, जैसे हायरिंग होता है, अट्रिशन होता है, वो सब पॉइंट कर रहा है कि यहाँ पे आगे चलकर प्रॉब्लम आना है। और ये क्या IT है ना, काफी ऑपरेटिंग लेवरेज ड्रिवन मॉडल होता है, तो जब स्लो डाउन आता है तो मार्जिन पर भी इम्पैक्ट आता है उसका। सो आई विल नॉट बी इन अ हरी टू बाय द लार्ज IT कंपनीज। हैविंग सेड दैट, देयर आर सम स्मॉलर IT कंपनीज जो इंजीनियरिंग R&D स्पेस में है, या किसी प्रोडक्ट कंपनीज है या प्लेटफॉर्म कंपनीज है, वहां पर थोड़े ड्राइवर्स अलग हैं, वहां पर US इकोनॉमी ड्राइवर नहीं है, ना ही उनको AI का थ्रेट है इतना। सो दैट इज वन स्पेस वेयर देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ अ ग्रोथ बियॉन्ड 15-20%, तो वहां पर स्टॉक्स भी उसी तरह फैक्टर इन कर रहे हैं।
बट ओवरऑल आईटी स्पेस पे थोड़ा न्यूट्रल ही हैं हम लोग। ओके, एक न्यूट्रल व्यू है आईटी पर। रवि जी, CY23 में जिसने ऑटो में दाव खेला सुबह, मतलब शुरुआती दौर में, या फिर इवन आई थिंक mid-22 में जिसने कॉल ली, उसने पैसा बनाया, और बीते 2 महीने में स्पेशली ऑटो में, टू व्हीलर स्पेस में, मतलब जो न्यू लॉन्चेस हुए उन्होंने ऑटो स्टॉक्स को बड़ा मूव दिया। TVS पहले से ही अपने EV वेंचर के लिए बहुत स्ट्रांग था, ऑल टाइम हाई पे था। बजाज और हीरो मोटोकॉर्प के 2 लॉन्चेस ने उनको एक बहुत सुपर स्विंग दिया। बजाज तो खैर बिल्कुल ही डिफरेंट रहा, इस बार की अर्निंग्स भी बहुत स्ट्रांग है। आपका झुकाव इस वक्त पूरे ऑटो पे कहाँ पर है? आई मीन कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में, टू व्हीलर में, या फिर एंसिलरी स्पेस पे आप बैटरीज में जाएंगे या फिर टायर स्टॉक्स में जाएंगे? वीरेंद्र जी, बेस्ट परफॉर्मिंग तो ऑटोज में एक्चुअली ट्रैक्टर स्पेस रहा है। ट्रैक्टर, सीवी साइकिल, ये सारे 2-3 साल से साइकिल चल रही हैं। यहाँ पर शायद आगे चल के 1-2 साल और चल सकता है तेजी का माहौल, बट यहाँ पर बेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। यू आर नॉट बाइंग एट द बॉटम ऑफ द साइकिल। पैसेंजर व्हीकल्स में भी जो ईवी का थ्रेट है वो लगातार लगा हुआ है। टू व्हीलर्स में एक्चुअली रिवर्स हुआ है। जो ईवी बाइक्स, ई बाइक्स के लिए जो सब्सिडी दी गई थी वो एक्चुअली कम कर दी गई, तो जो थ्रेट था टू व्हीलर पर, जो एंट्री लेवल टू व्हीलर बाइक्स पर, वो एक्चुअली थोड़ा कम हो गया। दूसरा, ये टू व्हीलर कंपनीज ज्यादा लिंक्ड होती हैं रूरल इकोनॉमी से, और रूरल इकोनॉमी हैज नॉट बीन बिग मूवर सिंस लास्ट 3-4 ईयर्स। पर यहाँ पर शायद अभी चेंज हो सकते हैं, द वे गवर्नमेंट इज गिविंग MSP हाइक्स, द वे डियरनेस अलाउंसेस आर बीइंग गिवन, फोकस इज ऑन रिवाइविंग द रूरल एंड एग्री। दिस बीइंग अ प्री इलेक्शन ईयर, थोड़ा बहुत यहाँ पर भी फंड्स का फ्लो रह सकता है, तो उसकी वजह से बॉटम ऑफ द पिरामिड और रूरल फोकस्ड सेक्टर्स पर शायद थोड़ा रिवाइवल आ सकता है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, टू व्हीलर इज एक्चुअली स्टिल अर्ली इन इट्स साइकिल ऑफ रिवाइवल इज व्हाट आई वुड से, एंड द वैल्यूएशंस आर आल्सो स्टिल इन फेवर। तो दैट वुड बी आवर स्पेस ऑफ प्रेफरेंस विद इन द होल ऑटो स्पेस एज ऑफ नाउ। बिसाइड्स दैट, वी लाइक ऑटो एंसिलरीज, जहां पर आपको यू डोंट हैव टू टेक अ कॉल ऑन अ पर्टिकुलर सेगमेंट, बिकॉज यू कैन यू नो कोई एक OEM ठीक करे या ना करे, बट ऑटो एंसिलरीज तो ठीक कर सकते हैं, बट यू हैव टू फाइंड कंपनीज दैट हैव काइंड ऑफ बिग मार्केट शेयर इन दैट पर्टिकुलर स्पेस, एंड ऑल द OEMs विल बी प्रोक्योरिंग फ्रॉम देम। बट सो वी प्रेफर टू व्हीलर्स एंड ऑटो एंसिलरीज, एंड वी डोंट प्रेफर सो मच ऑफ सीवीज एंड ट्रैक्टर्स एट दिस स्टेज। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।